तो गाइस टॉप 10 मिथ्स इंडियन बैकग्राउंड थ्योरी के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलो यार अपने ऑटो रिक्शा का मीटर करते डाउन। तो आ रहा है कोई भाई? टेंशन टेंशन टेंशन। तो आज है ना इस वीडियो में हम बहुत ही तगड़े तगड़े मिथ्स जानेंगे। तो आपको क्या करना होगा, पूरा वीडियो है ना एंड तक देखना होगा गाइस, और वीडियो को लाइक करो यार। और आपको भी कोई मिथ है तो वीडियो के नीचे कमेंट करो। तो चलो यार गाइस अभी हम पहले मिथ की तरफ पढ़ते। पुलिस स्टेशन में जाकर चेट पैक सेकेंड फ्लोर से जेल के अंदर चले जाओ, ठीक है? तो यहाँ पे मेरे पास एक ज़बरदस्त प्लान है। यहाँ पे मैंने एक जेट प्लेट मंगाया, और तो आपको तो पता ही होगा कि यहाँ पे मतलब सेकेंड फ्लोर पे जाने के लिए मतलब सीढ़ी बनाई नहीं है। तो अभी मैं जेट पैक का यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे अभी देखो क्या करने वाला हूँ, यहाँ से ना मैं अभी उतरने वाला हूँ जेट पैक से। तो डायरेक्ट हमारा हो गया भाई, हो गया अपना बंदा डायरेक्ट सेकेंड फ्लोर पर चला गया है। तो चलो यार भाई यहाँ पे तो मैं आ तो चुका हूँ अभी मैं। अबे तेरी भैंस की, मेरा हाथ अटक गया भाई। अबे ये क्या हो गया? तो यार भाई देखो भाई अपने बंदे का ब्लड तो देखो भाई। ओ भाई भाई, अरे आराम से भाई, आराम से उठ, अपनी हेल्थ कम नहीं करनी। तो चलो यार ये तो चैलेंज पूरा हो गया, अभी अपने को जाना नीचे। ओ भाई देखो मैं कैसे मतलब कुछ भी मतलब देखो कैसा जुगाड़ लगाया मैंने। और ये अपना जेट पैक है बाहर के साइड में, तो मैं जा सकता हूँ यहाँ से। तो फिलहाल तो मैं आ चुका हूँ गाइस जेल के अंदर भी। तो देखो यार ये वाला मिथ भी मतलब कंफर्म है। तो मैं आ चुका जेल के अंदर, बट यार मैं इस बंदे को ना कोई टच भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो शायद से ये गन से मरता रहेगा। तो अभी तो मैं गन से नहीं मारूंगा, क्योंकि अभी गन से मारा तो भाई देखो इतनी सारी पुलिस है मेरे पीछे लग जाएगी। तो यार अभी टाइम वेस्ट ना बिना करते हुए तो चलो फटाफट यहाँ से निकल जाता हूँ। तो ये हो गया कंफर्म अपना मिथ। तो चलो सेकंड मिथ की तरफ बढ़ते हैं। कोई भी गाड़ी लो और गाड़ी से उतर के स्नाइपर स्कोप ओपन करो फिर देखो। चलो यहाँ पे मैंने अपनी थार को बुला लिया है, अभी मुझे इस गाड़ी में बैठना है। तो चलो गाड़ी में बैठ जाता हूँ, और गाड़ी में बैठते ही मुझे यहाँ से उतरना है बराबर। मैं यहाँ से उतरूँगा और हाथ में स्नाइपर गन लेके मुझे स्कोप ओपन करना है। तो फटाफट उतरता हूँ, और ये मैंने स्कोप ओपन किया, और ये देखो भाई ये तो कुछ गजब ही हो गया भाई। ये मुझे अपनी गन दिख रही है, ये कैसे भला हो गया भाई ये तो मुझे पता नहीं चल रहा भाई। बट ये देखो अपने बंदे का टकला भी दिख रहा है, और देखो यार भाई मस्त जूम हो रहा है भाई, सब कुछ दिख रहा है भाई। तो ये मिथ कंफर्म है भाई। तो यार पता नहीं ये कैसे हो रहा है, बट हो रहा है कुछ ग्लिच है शायद से। तो ठीक है, किस किस को पता रहेगा, किसी किसी को नहीं पता रहेगा। अभी चलो मैं ना अभी क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे स्कोप ऑफ कर देता हूँ, अभी मैं फिर से स्कोपिंग करता हूँ, और ये अभी नहीं हो रहा है। तो भाई ये मिथ भी कन्फर्म है। तो चलो आगे बढ़ते, घर को आरजीबी कलर करके देखो। तो चलो यार मैं यहाँ से फटाक से फ़ोन की सेटिंग ऑन कर लेता हूँ, और यहाँ पे डायल करता हूँ फटाफट से। चलो कलर आरजीबी, तो ये तो शायद से हो जाएगा अपना आरजीबी कलर। यहाँ पे हो गया आरजीबी, बट वेट, इसमें ना कुछ पहले ग्लिचेस थे, जो कि ना अंदर के जो वॉल है ना वहाँ पे से मतलब ट्रांसपेरेंट दिखते थे, बट अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो यहाँ पे अभी ग्लिचेस का मतलब कोई मतलब इशू नहीं है। तो ठीक है यार अभी बढ़िया दिख रहा है घर आरजीबी कलर में। तो ये तो हो रहा है अच्छे से, तो ये मिद भी कंफर्म है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो हम अपने नेक्स्ट मिथ की तरफ बढ़ते हैं। तो चलो देखते हैं क्या है मिथ। ये है पुलिस स्टेशन के दीवार टाप सकते हैं। तो भाई पुलिस स्टेशन की दीवार पता नहीं हम टाक सकते हैं कि नहीं। तो चलो यार मैं अपने कार निकलता हूँ यहाँ से, फटाक से निकलते हैं अपने पुलिस स्टेशन की ओर। तो शेरा सामने ही अपने पुलिस स्टेशन है, और कहाँ से चले यार, कौन से साइड से चले, सामने वाली दीवार से टापते हैं, क्या बोलते हो? चलो यहाँ से कुछ सेम ही है यार, वॉल तो मतलब एक ही लेवल की है। तो चलो यहाँ से चलो ये जगह ठीक है, यहाँ पे मैं गाड़ी रुका देता हूँ। चलो यहाँ पे से ठीक रहेगा, चलो यहाँ पे करते हैं। तो भाई दीवार तो काफ़ी ऊंची है यार, बट
कर सकते हैं अपन। और ये देखो भाई, पहले अटेंड में भाई हमने अपने बंदे को चढ़ा लिया इस वॉल के ऊपर, तो भाई ये देखो भाई चल भी पा रहा हो। और ये क्या हो गया भाई? और ओके भाई, बीच में फीमल की फीमल की उल्टी कर दी भाई बंदे ने मेरे। और ये देखो पूरा लाल ही लाल। तो ये मीत है ना कन्फर्म है। तो चलो आगे अगली मीत की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली मीत है स्कॉर्पियो का कलर आरजीबी करके देखो। तो स्कॉर्पियो, ओके स्कॉर्पियो का कलर आरजीबी में पहले हो नहीं पाता था क्योंकि उसका फर्स्ट बोनट है ना, फ्रंट का बोनट जो रहता है ना खाली वही आरजीबी कलर में कन्वर्ट होता था। तो चलो यार अभी इस बार देखते क्या होता है। मैं दोनों भी स्कॉर्पियो बुला लेता हूँ। ये आ गए अपनी स्कॉर्पियो क्लासिक, और चलो ये दूसरी वाली स्कॉर्पियो, चलो स्कॉर्पियो 11। ठीक है तो दोनों पे मैं ट्राई करने वाला हूँ, तो दोनों पे देखते वर्क करता है कि नहीं। चलो आरजीबी में करना है ना अपने को। ये क्या हो गया? ओके मुझे थोड़ा और नज़दीक जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो येलो ग्रीन तो हो रही है, तो सब हो रहा है ठीक से, बट मुझे करना है आरजीबी में। और ये देखो भाई, ये अभी हो रही है आरजीबी में, तो ये मिथ भी कन्फर्म है। तो भाई ये स्कॉर्पियो है ना, वो ब्लैक कलर में बहुत ही तगड़ी लगती है। किसी ने मिर्ज़ापुर देखा तो नीचे कमेंट करो भाई। यार ये स्कॉर्पियो ना ब्लैक कलर में बहुत ही गैंगस्टर लुक देखती है। तो चलो यार ये मिथ है ना कन्फर्म है। तो आगे नेक्स्ट मिथ की तरफ बढ़ते हैं। गोस्टर राइड बाइक को हेलीकॉप्टर से क्रैश करो उसे कुछ नहीं होता। तो चलो यार देख ही लेते हैं। यहाँ पे मैंने फट से हेलीकॉप्टर का चिट कोड डायल किया है। अभी मुझे डायल करना है गोस्ट राइडर बाइक। तो यार उसके लिए मैं दूर जा रहा हूँ क्योंकि उसकी आग से ही मतलब जल मिल जाएगा, तो भाई पहले ही मतलब फूस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने फटाक से गोस्ट राइडर बाइक का चिट कोड डायल किया और ये अपनी आ गई गोस्ट राइडर बाइक। तो यार ये देखो इसका नमूना देखना है गाइस। मैं इसे लैम्बोर्गिनी के पास में लेके जाता हूँ। ये देखो भाई चल के राख हो गई। तो अभी ये आगे पता नहीं क्या होगा इस हेलीकॉप्टर का। तो चलो यहाँ से मुझे हेलीकॉप्टर को टक्कर मारनी है ठीक है। तो देखते क्या होता है कि नहीं, वो ब्लास्ट हो पाता है कि नहीं। और ये मैंने मारी टक्कर, वो भाई ये क्या हो गया? इससे तो कुछ भी नहीं हुआ भाई साहब, ये क्या हो गया? मैं और एक बार ट्राई करना चाहूँगा। तो यहाँ से थोड़ा रन अपन लेंगे तो यहाँ से ठीक है। अभी यहाँ से मैं लेके जाऊँगा अपनी गोस्ट राइडर बाइक को। और ये भाई अभी फूटेगी फूटेगी। अबे यार इसको तो कुछ हुआ ही नहीं। तो भाई ये तो सही है, मतलब ये मिथ कन्फर्म है। तो चलो नेक्स्ट मिथ की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है कार को पानी में ले जाकर उतार कर फिर कार चलाओ और बाहर निकाल कर कार से बाहर आओ फिर देखो मैजिक। भाई ये तो कुछ मुझे समझ में नहीं आया क्या लिखा है बंदे ने। तो यार फटाक से मैं अपनी थार को बुला लेता हूँ और अभी मुझे जाना है इसे लेके पानी में। तो चलो फटाफट मैं कार के अंदर बैठ जाता हूँ और ये कार को मुझे लेके जाना है बहुत खेरे समुंदर में। तो चलो मैं जा रहा हूँ। चलो यहाँ पे तो मैं लेके आया हूँ। अभी क्या करने है बोला था, क्या मुझे इसे लेकर बाहर आना है? शायद से मुझे इसे बाहर लेके कुछ मैजिक होगा क्या। तो चलो यार यहाँ से आए थे वहाँ ही चल जाते किनारे के यहाँ पे, और यहाँ से मैं उतर जाता हूँ कुछ नहीं यार कुछ तो शायद से मैंने कुछ गड़बड़ की। शायद से मुझे यहाँ तक लेके जाना है और अभी मुझे उतरना है शायद से। तो चलो यार यहाँ पे मैं ना उतर जाता हूँ और मुझे फिर से बैठना है बराबर है। तो जो यहाँ पे मैं ना उतर गया हूँ ओके, और अभी मुझे फिर से बैठना है कार में। तो मैं बैठ गया कार में फिर से और अभी मुझे किनारे पे वापस जाना है और फिर कुछ मैजिक होगा। तो चलो यार यहाँ पे मैं रुका देता हूँ अपनी थार को। तो अभी उतरता हूँ देखते क्या होता है। ओ भाई अपना कैरेक्टर है ना वो देखो, वो तैर रहा है मतलब पानी के बाहर आने के बाद भी मतलब अपना बंदा तैर रहा है। तो ये उम्मीद भी कन्फर्म है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो।